नमस्कार आप देख रहे हैं योर न्यू डायरेक्शन यूट्यूब चैनल आज है 20 जनवरी 2022 और आज के इस वीडियो में शिक्षा और रोजगार से संबंधित हर एक महत्वपूर्ण खबर हमें एक करके देखने वाले हैं और इसी क्रम में सबसे बड़ी अपडेट है पीसीएस मेंस की परीक्षा स्थगित कर दी गई लेकिन यू जो कि तेईस जनवरी दो को प्रस्तावित है वो अपने तय समय पर दो पालियों पर कराया जाएगा और इसके लिए जो आधिकारिक निर्देश हैं पीएनपी सचिव के माध्यम से छात्रों के लिए वो कल देर शाम जारी कर दिए गए हैं क्या डिटेल्स है वो हमने आपको बता दिया उसमें कौन कौन सी तैयारियों के साथ आपको परीक्षा पर उपलब्ध होना है पहुँचना है इस बार जो यू की परीक्षा होने वाली है वो सी कैमरे की निगरानी में कराई जाएगी और कोरोना के नियमों का पालन भी साथ में कराया जाएगा कोई भी यहाँ पर लीक मामले जैसी कोई भी चूक ना हो इसके लिए यहाँ पर कड़े इंतज़ाम किए गए हैं परीक्षा केंद्रों पर कड़ी यहाँ पर जो निगरानी है वह यहाँ पर रखी जाएगी और बहुत सारे नियम यहाँ पर बनाए गए और नियमों का पालन किया जाएगा क्योंकि कोरोना का संक्रमण भी बहुत ही तेज है तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए बहुत ही शालीनता से बहुत ही अच्छे तरीके से इस परीक्षा करा को कराने के निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के माध्यम से तो दिया गया है और अधिकारी इस पर लगे हुए तो जो भी छात्र हैं वो अपने प्रवेश पत्र को प्राप्त कर चुके होंगे और क्या क्या चीजें लेकर जानी है उसके लिए अपडेट कर दिया गया है चैनल पर पिछले वीडियो में वहां से आप चेक कर लें सभी तैयारियों के साथ अपने परीक्षा केंद्र पर तेईस तारीख को आधे घंटे पहले ही पहुंच जाए कोरोना संक्रमण के कारण सात से आठ हजार बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो पीसीएस मेंस की परीक्षा थी मुख्य परीक्षा 2021 हजार इक्कीस वो यहाँ पर स्थगित कर दी गई है लेकिन लाखों की संख्या में यूपीटीटी में छात्र बैठने वाले हैं वहां की परीक्षा स्थगित नहीं हुई है हम आपको बता दें कि यह परीक्षा स्थगित करने के साथ अब इसे 23 से 27 मार्च 2022 के बीच में कराया जाएगा यह परीक्षा प्रयागराज लखनऊ और गाजियाबाद के प्रस्तावित केंद्रों में होने वाली है अगली अपडेट है उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती में छः हजार आठ सौ आरक्षित वर्ग की सीटों को लेकर जहां शिक्षक भर्ती प्रक्रिया ठप हो चुकी है काउंसलिंग का इंतजार छात्र कर रहे हैं जो छः हजार आठ सौ सीटों पर चयनित हुए अब इन छात्रों की जो प्रक्रिया है वो आचार संहिता ठीक है और साथ में कोरोना के कारण ये ठप हो चुकी है लेकिन यहाँ पर देखिए उनहत्तर हज़ार शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के लिए अड़सठ सौ अभ्यर्थी की सूची जारी होने के बाद प्रक्रिया ठप पड़ी है अभ्यर्थी काउंसलिंग की तिथि घोषित करने का होने का या इंतजार कर रहे हैं लेकिन विभाग में कोई भी यहाँ पर सुगबुगाहट देखने को नहीं मिल रही हमने आपको पहले बताया कि काउंसलिंग कराने को लेकर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी ही नहीं आ रही है यहाँ तक कि जब छात्र वहाँ पर जाते हैं चक्कर काटते हैं और पीएनपी में बात करने की कोशिश करते हैं तो कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार ही नहीं है सब चुप्पी साधे हुए कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं कि कब तक ये काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी कब तक जो है जिले आवंटन की जो लिस्ट है वो जारी होगी कुछ नहीं बताया जा रहा लेकिन जानकारी यही थी कि इसी सप्ताह में जो जिले आवंटन की सूची है वो यहाँ पर जारी की जा सकती है लेकिन वो तभी जारी की जाएगी जब चुनाव आयोग से अनुमति मिलेगी अगर चुनाव आयोग को लेटर जो लिखा गया है यहाँ पर बेसिक के माध्यम से तो अगर उस लेटर में अनुमति मिलती है तभी यहाँ पर लिस्ट आपको देखने को मिलेगी अन्यथा की स्थिति में अब चुनाव होने के बाद ही लिस्ट आएगी तभी काउंसिलिंग होगी और तभी प्रक्रिया शुरू हो पाएगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दो का जो अपना परीक्षा कैलेंडर है वो जारी कर दिया है हमने पिछले वीडियो के माध्यम से पूरी अपडेट दे दी है सभी मुख्य परीक्षाएं जो हैं उनके तय समय जो है वो तय कर दिए गए हैं आप देख सकते हैं बड़ी परीक्षाओं के जैसे समीक्षा अधिकारी सड़क समीक्षा अधिकारी चौबीस चार को कराई जाएगी ठीक है ऐसे बड़ी बड़ी जो भर्तियां हैं वो भी इनमें शामिल की गई हैं और एल्टी ग्रेड जैसी जो भर्तियां हैं उनको फ़िलहाल यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है तो विज्ञापन आने की संभावना है भी नहीं भी है विज्ञापन आ भी जाता है तो हो सकता है कि 2022 में परीक्षाएं ना कराई जाए ठीक है काफी लेट विज्ञापन आए जिसलिए तो इसमें शामिल नहीं किया गया है लेकिन जो भी पहले से फॉर्म भरे जा चुके हैं बड़ी परीक्षाएं जो हैं वो 2022 में इसी वर्ष करा ली जाएंगी जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि सम्मिलित राजपर अधिनय सेवा मुख्य परीक्षा जो कि तेईस तीन को प्रस्तावित है वहीं पर सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी तीन चार को प्रस्तावित है स्टाफ नर्स दस चार को प्रस्तावित है सम्मिलित राज्य अभियंत्रण की वाली परीक्षा वो सत्रह चार को प्रस्तावित है तो ऐसी बड़ी बड़ी जितनी भी परीक्षाएँ हैं सभी का यहाँ पर जो तारीखें हैं वो घोषित कर दी गई हैं वहीं पर अगली अपडेट है यूपी पी से ही जी हाँ उन्नीस पदों के लिए भर्ती और आवेदन शुरू कर दिए गए हैं यह बात हो रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा में आए नए साल में प्रतियोगियों की भर्ती को लेकर सौगात दी गई है उन्नीस पदों के लिए यहाँ पर निकाले गए हैं जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं और ये पद है भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में खान अधिकारी के जी हाँ खान अधिकारी के, हाँ, के सोलह पद और आयुष यूनानी विभाग के तहत राजकीय यूनानी महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य प्रोफेसर आमराजे जिल्द के एक व तजनीयत रीडर मुनाफेऊ और आजा के एक पद निकाले गए हैं तो जो भी छात्र हैं यहाँ पर इच्छुक हैं वो 16 फरवरी इसकी अंतिम तारीख है उससे पहले आप आवेदन को कर सकते हैं सबमिट कर सकते हैं यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एक पर अगली अपडेट आ रही है मुख्य परीक्षा की संशोधित जो उत्तर कुंजी है वो जारी कर दी गई है जी यहाँ बात हो रही है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा समान चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा दो की तहत जो 21 अक्टूबर को दो पालियों में परीक्षा आयोजित कराई गई थी उसकी संशोधित जो उत्तर कुंजी है वो फिलहाल जारी कर दी गई है और इन की आधिकारिक वेबसाइट पर पर यह अपलोड अपलोड कर दी गई है सारी सीरीज संशोधित करके आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और इन आठों सीरीज को देख सकते हैं और अपने प्रश्नों का मिलान कर सकते हैं वहीं पर टी, -टी के बाद छात्रों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है जी बताया है कि टी टी परीक्षा के बाद तेज होगा शिक्षक भर्ती का आंदोलन बताया गया है कि टीटी परीक्षा के बाद युवा मंच कार्यकर्ता शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज करेंगे युवा मंच के अध्यक्ष हैं अनिल सिंह उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि महज सात हजार अभ्यर्थियों वाली पीसीएस मुक्त परीक्षा को कोविड की वजह से स्थगित कर दिया गया लेकिन यहीं पर यूपी टीटी में 22 लाख 12 लाख 12 लाख से ज्यादा छात्र बैठने वाले हैं तो उस परीक्षा को स्थगित नहीं किया गया है फिलहाल यूपी टीटी की परीक्षा संपन्न होने के बाद संतानवे हजार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो मांग का आंदोलन है वो यहाँ पर तेज कर दिया जाएगा तो ये परीक्षा होने के बाद और परिणाम आते आते लगभग आचार संहिता समाप्त हो जाएगी और उसके बाद बड़े यहाँ पर स्तर से संतानवे हजार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग की जाएगी क्योंकि टीटी -टी होने के बाद जो भी छात्र पास होंगे उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती देने की आवश्यकता होगी तो वो सरकार को यहाँ पर देना पड़ेगा अगली अपडेट है रेलवे एन परिणाम को लेकर एक करोड़ से ज्यादा यहाँ पर ट्वीट किए गए उसके बाद मुद्दा बनाने की चेतावनी की गई है जी हाँ रेलवे भर्ती बोर्ड आर द्वारा जारी जो यहाँ पर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एन के रिजल्ट पर अभ्यर्थियों की आपत्ति जताने एवं पीएम मोदी को पत्र लिखने के बाद अब चुनावी मुद्दा बनाने की चेतावनी दे दी गई है एन टी पी सी सी बी टी वन कम्प्यूटर बेस्ड जो भी स्क्रीन टेस्ट था उसमें बीस हजार अभ्यार्थियों को ज्वाइन क्वालिफाई कराए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने कहा है कि अगर इस संबंध में जल्द ही निर्णय नहीं लिया गया तो सभी अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर अभियान चलाने के साथ सड़कों पर भी उतरने का काम करेंगे और शनिवार पंद्रह जनवरी को ही आर आर बी द्वारा एन टी पी सी का परिणाम जारी किया गया इसके परिणाम पर ही अभ्यर्थियों के सवाल खड़े हुए और युवा मंच के संयोजक राजेश सचान का कहना है नोटिफिकेशन के अनुसार 20 गुना अभ्यार्थियों को क्वालिफाई कराया जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किया गया है जिस कारण से छात्र लगातार ट्वीट किए और करोड़ों ट्वीट किए मांग काफी तेजी से की जा रही है छात्रों का कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी और सोशल मीडिया पर इस तरह के कार्य करते रहेंगे क्योंकि यहां पर छात्रों का सिलेक्शन कम लिया गया है जो कि नोटिफिकेशन में बताया गया था कि अधिक छात्रों का सिलेक्शन लिया जाएगा उसके आधार पर आगे की जो प्रक्रिया है सीवी टू की वो कराई जाएगी अगली अपडेट आ रही है प्रधानाचार भर्ती को लेकर जी हां भर्ती में देरी से 200 से ज्यादा शिक्षक निवृत्त हो रहे हैं आठ साल में भी अधूरी है भर्ती प्रधानाचार्य दो हजार की बात है 2011 की भर्ती में सेवानिवृत्त के बाद चयनित हुए थे कई अभ्यर्थी यहां पर बताया गया है कि लेट लतीफी के ने गजब स्थिति निर्मित यहां पर कर दी है एक तरफ प्रदेश भर में सैकड़ों एडेड माध्यमिक विद्यालय प्रधानाचार्य की कमी से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ योग्य शिक्षक समय से भर्ती न होने से प्रधानाचार्य बनने का सपना लिए ही सेवानिवृत्त हुए जा रहे हैं ताजा उदाहरण अगर बात करें तो प्रधानाचार्य दो की भर्ती है हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी यह भर्ती इकतीस जनवरी दो तक पूरी नहीं हो सकती है यहाँ पर पांच सौ पदों पर यह भर्ती होनी है और यहाँ तक अब चयन बोर्ड की तरफ से हाई कोर्ट को पत्र भी लिखा जा चुका है कि हम 31 जनवरी 2022 तक इस भर्ती को पूरा करने में असमर्थ हैं हमें थोड़ा और समय दिया जाए क्योंकि हाई कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि 31 जनवरी 2022 तक इस भर्ती प्रक्रिया को हर हाल में पूरा करना है अभी फिलहाल ये पत्र लिखा गया है हाई कोर्ट को हाई कोर्ट इस पर क्या निर्देश देता है उसके बाद ही ये प्रक्रिया उसी तरह से होगी अगर निर्देश कोई नहीं देता है तो इकतीस जनवरी तक ये पूरा करना चयन बोर्ड के लिए बहुत ही मुश्किल है क्योंकि अभी साक्षात्कार शुरू नहीं हुए हैं कार के जो तारीखें होती हैं दस दिन पहले बतानी होती हैं तो वो तारीखें अभी तक घोषित नहीं की गई हैं तो ऐसे किस स्थिति में इकतीस जनवरी दो तक भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी ये सोचने वाली चीजें हैं। वहीं पर अगली अपडेट है अनुदेशकों की भर्ती को लेकर यहाँ परीक्षा कराने का जो आदेश है वो रद्द कर दिया गया है शैक्षणिक योग्य ताकि साक्षात्कार से यहाँ पर भर्ती कराई जाएगी 2015-16 की 850 अनुदेशों पचास अनुदेशकों की भर्ती है यहाँ पर जो केस था वो था कि नए नियम से भर्ती या किया जाए इंटरव्यू ये सभी चीजें लेकिन हाई कोर्ट ने चीज़ों को रद्द करते हुए साफ तौर पर कह दिया कि जब विज्ञापन आया था जो नोटिफिकेशन आया था उसमें जो नियम शर्तें तय की गई थी उसी आधार पर इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराया जाएगा इसमें यानी कि जो भर्ती प्रक्रिया नोटिफिकेशन आने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो बीच में कोई भी इसमें बदलाव नहीं किए जा सकते हैं हमने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जो भी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती हैं बीच में उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकते तो ये चीजें यहां पर स्पष्ट कर दी गई हैं और हाईकोर्ट ने इस चीजों को रद्द करते हुए कहा है कि पुराने नियमों से इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए वहीं पर अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की लेट लतीफी से युवाओं के कैरियर अधर में फंस गए हैं जहाँ चयन बोर्ड पिछले ढाई महीने से सुप्रीम कोर्ट के डर से प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी प्रति 2021 का परिणाम साक्षात्कार समाप्त होने के तुरंत बाद घोषित कर रहा था अब भी प्रवक्ता हिंदी के जो 410 पदों के लिए संशोधित परिणाम में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेकर भूल चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक टीजीटी टीजी भर्ती प्रक्रिया को पूरे करने का आदेश दिया था उसके अनुपालन में चयन बोर्ड ने दिन रात एक करते हुए चयन प्रक्रिया तो पूरी कर दी लेकिन जो प्रवक्ता हिंदी समेत ग्यारह विषयों के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार था वो इक्कीस से तीस अक्टूबर तक करवाते हुए इकतीस अक्टूबर को परिणाम भी घोषित कर दिया हालांकि प्रवक्ता हिंदी के परिणाम में एक गलत प्रश्न पूछे जाने के विवाद को लेकर वो हाईकोर्ट पहुंचा था जिसमें चयनित जो भी सभी थे चार सौ दस अभ्यर्थियों का कारोबार ग्रहण कराने पर रोक लगाई गई चयन बोर्ड ने हाईकोर्ट के समक्ष गलती मानते हुए 29 दिसंबर को संशोधित परिणाम भी जारी कर दिया सफल 15 अभ्यर्थी अतिरिक्त हुए उसमें साक्षात्कार 8 जनवरी को ले लिया गया लेकिन 12 दिन यहां पर रिजल्ट घोषित नहीं हो सका चयन बोर्ड का कहना है कि संशोधित रिजल्ट के लिए सॉफ्टवेयर में संशोधन करवाना होगा जिसमें अभी समय लग रहा है यानी कि जो हिंदी प्रवक्ता की पैनल की ज्वाइनिंग है अभी उसमें और समय लगेगा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि जो पंद्रह अतिरिक्त यहां पर छात्र सेलेक्ट हुए हैं उसके लिए यहां पर बताया जा रहा है सचिव के माध्यम से अध्यक्ष के माध्यम से कि इसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर बनवाया जाएगा फिर इसको परिणाम को अपडेट किया जाएगा उसके बाद ही यहां पर पैनल भेजे जाएंगे तभी हिंदी प्रवक्ता 410 जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी